हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक शेक है तो फिर बुलाओ जी, ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हाँ जी, तो इस पे इतने खुश क्यों हो ऐ भाई, तुम तो बरसों पहले ही निकल चुके हो, तो बर्थडे वाला नाटक ये क्यों है भाई। कैंडल शैंडल भूख से बुझा के, बेसुरों की भीड़ फालतू में लगवा के, बर्थडे वाला सॉन्ग जोर जोर से गवाते हो, हमसे ताली शाली का हजाम मत करवाते हो, ये सब नौटंकी फिर भी चलो झेल ले, केक शेक को स्टार्टर्स भर भर के आए प्लेट में, घर जाके फिर से डिनर न मंगवाना हो, चूहे ना दौड़े पेट में रात के पौने दो। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, सोच समझ के इनवाइट भिजवाओ जी, अगर पेट पूजा का फुल इंतजाम है तो ही न्योता कंसीडर करेंगे जी। हैप्पी बर्थडे टू यू कह दिया है जी, तुम और भी बुढ़े हो गए ओ तेरी, दिल छोटा ना करो उम्र का है क्या, बाल झड़ेंगे दांत गिरेंगे वैसे ही। देखो कोई पुराना गिफ्ट हम जो ढूंढ पाए, एक्सपेक्ट तभी करना हम कुछ हाथ में लेकर आए, यू आर आ गए तो बड़ी बात है, वैसे सच बताओ तुम अब कितने साल के हुए, हमको क्या पड़ी है हम किसी को ना बताएं, मुना बिगाड़ो आज तुम्हारा बर्थडे है, और बीपी ना बढ़ाओ, सिंग हैप्पी बर्थडे टू मी, बत्तीस चमका के चिल्ला कर गाओ हैप्पी बर्थडे टू मी। तो हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं। तो फर्स्ट इसमें पार्ले जी के बिस्किट लगे हैं, 6 to 7, हाँ 6 से लेकर 7 तक, 7 तक के लगे हैं। और उसके बाद मैंने इसे इसमें डाला था सूजी, सूजी के बाद इसमें मैंने डाला था थोड़ा सा वो गुड़ा जो शुगर का पाउडर होता है वो, और उसके बाद मैंने इन सबको मिला दिया था, और उसके बाद मैंने इसे बनाया है ओवन में। तो ओवन में मैंने इसे 180 सेल्सियस के पास रख दिया था, मतलब 180 डिग्री के पास उसमें रख दिया था, और ये हो गया। तो ये मिनी केक बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने ये मिनी केक अकेले बनाया है। और उसके बाद मैंने इसको डेकोरेट करने का पार्ट तो आपको दिखाया होगा, पार्ट फर्स्ट, अगर आपने नहीं देखा तो पार्ट फर्स्ट में जाके इसकी डेकोरेशन देख लो, शुरू से इसकी डेकोरेशन दिखाई है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कट करा था और ये बहुत ही आराम से कट भी हो रहा है पूरा नॉर्मली। देखिए मैंने इसे डेकोरेट करने में भी टाइम लगाया थोड़ा सा, देख सकते हैं। ये देखिए केक की पूरी डेकोरेशन है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये केक अच्छा लगा तो इसका पार्ट 3 देखना मत भूलना। पार्ट 3 में मैं ऐसे कट करके दिखाने वाली हूँ कितना स्मूथ और सॉफ्टली कट रहा है, कट हो रहा है ये पूरा। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में भी दिखाया था जब मैं इसे डेकोरेट कर रही थी, तो पार्ट 3 का इंतजार करो, पार्ट 3 का इंतजार करो। ये बहुत ही यमी है, मैं तो उसको खाते ही बहुत अच्छा लगा मुझे खाते ही। तो फ्रेंड्स, गो टू द पार्ट 3।